Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. शराब घोटाले मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन बड़ा अहम है, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाने वाला है। तो वहीं शुक्रवार के ही दिन ईडी अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के साथ कुछ ऐसा करने जा रही है जो आज तक के सियासी इतिहास में किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। जी हाँ, बता दें कि शुक्रवार को ईडी शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने जा रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ईडी अपनी चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाने के साथ साथ मुख्य साजिशकर्ता बनाने जा रही है, और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी को भी ईडी अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाएगी। ऐसा इतिहास में पहली बार होगा जब भ्रष्टाचार में किसी एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट में किसी नेशनल पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। ईडी के सूत्रों की माने तो उनसे जुड़े कुछ लोगों और कंपनियों समेत करीब आधा दर्जन संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई है। एजेंसी 2022 में दर्ज किए गए मामले में कुछ नई संपत्तियों की कुर्की के साथ इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि एजेंसी अरविंद केजरीवाल पर अपनी जांच में सहयोग नहीं करने और आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने और उनकी भूमिका और रोजमर्रा के मामलों में आम आदमी पार्टी के कामकाज में सक्रिय भागीदारी के भी आरोप लगा सकती है। यानी इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी नेशनल पार्टी को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया जाएगा। आज तक के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को ही अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, जिसका विरोध करते हुए ईडी ने हलफनामा दायर कर यह कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई तो इससे गलत परंपरा शुरू हो जाएगी, जबकि अभी जेल से चुनाव लड़ने वाले नेताओं को भी जमानत की अनुमति नहीं दी जाती है। चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार। किसी भी राजनेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, भले ही वो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ही क्यों ना हो। ऐसा आदेश देने से भविष्य के लिए एक नजीर कायम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर शुक्रवार का दिन आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ईडी चार्जशीट दायर करेगी, जो इस शराब घोटाले मामले में ईडी की सातवीं चार्जशीट होगी, और इसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और उनकी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा, जो आज तक कभी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।